नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ मोहन भागवत ने सोमवार को नागपुर में संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग के समापन कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान भागवत ने हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों, राजनीति और राजनीतिक दलों के रवैये पर अपनी राय रखी है। आरएसएस चीफ ने कहा कि इस देश के लोग भाई भाई हैं, इस बात को हमें अपने विचारों और अपने कामों में लाना होगा। भागवत ने संसद में सरकार के विरोधियों को प्रतिपक्ष कहने की अपील की है। कल सरकार भी बन गई, ये सब हो गया, लेकिन उसकी चर्चा अभी तक चलती है। जो हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये अपने देश के प्रजातांत्रिक तंत्र में प्रति 5 वर्ष होने वाली घटना है, होती है। उसके अपने नियम है, डायनेमिक्स है, उसके अनुसार होता है। अपने देश के संचालन के लिए कुछ निर्धारण करने वाला वो प्रसंग है, महत्वपूर्ण है, लेकिन हम चर्विचर्वण करते रहे, इतना महत्वपूर्ण क्यों है? समाज ने अपना मत दे दिया, उसके अनुसार सब होगा। क्यों कैसे, इसमें संघ के हम लोग नहीं पढ़ते। हम अपना कर्तव्य करते रहते, लोकमत परिष्कार का प्रतिवर्ष करते हैं, प्रति चुनाव में करते हैं, इस बार भी किया है। चुनाव प्रचार की या चुनाव में जो होता है उसकी बात ऐसी है, वास्तव में तो प्रजातंत्र की अनिवार्य आवश्यक प्रक्रिया है और उसमें दो पक्ष रहते हैं, इसलिए स्पर्धा रहती है। स्पर्धा रहती है तो दूसरे को पीछे करने का, स्वयं को आगे बढ़ाने का काम होता ही है, होना ही चाहिए, परंतु उसमें भी एक मर्यादा है, असत्य का उपयोग नहीं करना। चुने क्यों जा रहे लोग, संसद में जाएंगे, बैठकर अपने देश को चलाएंगे, सहमति बनाकर चलाएंगे। हमारे यहां तो परंपरा सहमति बनाकर चलने की है। समानो मंत्र समिति समानी समानम मनस सह चित्तमेशाम, इस सहचित्त पर विनोबा भावे जी की टिप्पणी है। वो कहते हैं कि ऋग्वेदकारों को मानवीय मन का कितना ज्ञान था, ये समझ में आता है। सब जगह उन्होंने सम कहा है, समानो मंत्र समिति समानी समानम मना, लेकिन चित्त के बारे में सम नहीं कहा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का चित्त मानस अलग अलग होता ही है, और इसलिए 100% मतों का मिलान होना संभव नहीं है। लेकिन जब समाज में लोग अपना चित्त अलग अलग होने के बाद भी हमको साथ ही चलना है ऐसा निश्चय करते हैं तो सहचित्त बन जाता है। वास्तव में संसद क्यों है, उसमें दो पक्ष क्यों है, इसलिए है कि दोनों पहलू उजागर हो। किसी भी सिक्के के दो पहलू रहते हैं, ऐसे किसी भी प्रश्न के दो पहलू रहते हैं। एक पक्ष एक पहलू का विचार करता है तो दूसरे पक्ष ने दूसरा पहलू उजागर करना है, ताकि जो होना है वो पूर्णतः ठीक हो, सहमति बने, इसलिए संसद बनती है। लेकिन ऐसी सहमति बनना स्पर्धा करके आए लोगों में थोड़ा कठिन भी रहता है, और इसलिए हम बहुमति का आसरा लेते हैं, उसके लिए स्पर्धा चलती है। ये स्पर्धा है, कोई आपस का युद्ध तो है नहीं। जिस प्रकार ये बातें हुई, जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ, जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, दो गट बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया, और बिना कारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें परोसी गई, नितांत असत्य। क्या शास्त्र का, विज्ञान का, विद्या का ये उपयोग है? सज्जन विद्या का ये उपयोग नहीं करते। विद्या विवादाय ये खलस्य, ऐसा कहा है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशाम परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत्
ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या का उपयोग प्रबोधन करने के होता है, करने के लिए होता है, लेकिन आधुनिक विद्या टेक्नोलॉजी का उपयोग असत्य परोसने के लिए किया गया। ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है ना। दो पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए, वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ, क्योंकि उसका पालन होना इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। अब सरकार बन गई, वही सरकार फिर से आ गई एनडीए, अब एक साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा, पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है, कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के दौरान देश भर में घूम घूम कर संविधान की इस छोटी प्रति दिखाकर कहते थे कि बीजेपी सत्ता में आई तो उसे बदल देगी। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को इस नैरेटिव का काफी फायदा मिला, भले ही इस नैरेटिव से बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ा हो, लेकिन लाल और काले कवर वाली संविधान की पॉकेट संस्करण का प्रकाशन करने वाली कंपनी को बंपर फायदा हो रहा है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में सतनामी समाज के उग्र प्रदर्शन के बाद सरकार एक्शन में आ गई है। जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। सीएम ने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। वहीं आपको बता दें कि सतनामी समाज का ये प्रदर्शन पिछले एक महीने से जारी है। देश में अभी दो तरह के मौसम का अनुभव कर रहा है, एक और जहां उत्तर भारत में भयंकर गर्मी पड़ रही है, वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र केरल समेत पश्चिम और साउथ के इलाकों में मानसून की बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर से लेकर यूपी बिहार तक भीषण गर्मी और लू का कहर दिख रहा है। जून के महीने में भी तापमान ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। दिल्ली एनसीआर, यूपी और बिहार समेत पूरे उत्तर भारत को अब भी बारिश का इंतजार है। आईएमडी की माने तो अभी राहत की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। मौसम विभाग ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश और झारखंड में लू की स्थिति बनी रहेगी। केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रालयों का बंटवारा भी कर दिया। इस बीच महाराष्ट्र में एनडीए के सहयोगी घटक दल शिवसेना और एनसीपी खेमे में नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि ये दोनों ही दल मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से खफा हैं और अब खुलकर बयानबाजी भी करने लगे हैं। दोनों ही दलों ने बीजेपी पर एनडीए के अन्य घटकों दलों के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शपथ लेने से पहले क्या मोदी के पास देश का जनादेश था? वहीं पीएम मोदी द्वारा भटकती आत्मा कहने पर भी पवार ने पलटवार किया है। वे सोमवार को पुणे से 125 किलोमीटर दूर अहमदनगर में पार्टी के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच संगम विहार इलाके में लोग पानी की कमी से परेशान हैं। कई लोग पानी की कमी की वजह से पलायन करने की सोच कर रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि पानी की कमी की वजह से किराएदार 2 महीने के अंदर ही घर छोड़ देते हैं। दिल्ली में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला गया। ऐसे में पानी की कमी लोगों की मुसीबत और बढ़ा दी। संगम विहार के लोग पानी के टैंकरों पर निर्भर हैं। लोगों का कहना है कि हर 15 दिन में केवल एक टैंकर ही इलाके में आता है, जिसकी वजह से लोगों को कई दिनों तक बिना पानी के रहना पड़ता है। हमारे यहाँ पानी की इतनी ज़्यादा परेशानी है कि ये मान लो कि 2 महीने से तो पानी है ही नहीं, लगभग है ही नहीं। और जो उससे पाइपलाइन से तो पानी कब से नहीं आया, शायद 2014 में लास्ट आया था, उसके बाद से नहीं आया। बाकी वो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, छोड़ के जाना पड़ेगा। अब इस तरह की प्रॉब्लम नहीं तो हो सकता है 6 महीने में निकलना पड़े। अब ये देख सकते हैं इस गली में बिल्कुल पाइपलाइन भी पड़ी है लेकिन पानी नहीं है। तो बेल का पानी 2014 में कभी आया था, उसके बाद आज तक यहाँ पे पानी की नहीं है। किराएदार आते हैं तो वो चले जाते हैं, 10-20 दिन बाद चले जाते हैं, पानी नहीं। अब हम यहाँ के लोग मकान भी अपना बेचने को बोझ, लेकिन मकान लेगा कौन जब यहाँ पानी नहीं है? तो मकान भी जल्दी से कोई लेके यहाँ पे तैयार नहीं है। किराए पर रहते हो, काम करते हो, मेरा आदमी रास्ता चला था, ना पीने को ना नहाने, दोनों को पानी बिल्कुल नहीं मिलता बिल्कुल भी। और किसी से भी एक बाल्टी मांगने आया तो कोई देता नहीं है, तो किसके पास है नहीं है तो वो हमें कहाँ से देगा है? अब बताओ क्या करें। और दूसरे आए थे, यहाँ आए थे, अब यहाँ बार बार खाली करे, में छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ लेके जाए उनको भी पढ़ाना लिखाना, खाना पीना क्या करें बताओ। आते कहाँ पर जब देखो पानी नहीं, 2-3 दिन के कपड़े जोड़ लेते जब धोते हैं, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा गली में भी है। सब किराएदार परेशान है, वहाँ से आए खाली के वहाँ पानी नहीं, यहाँ से आए हूँ पानी नहीं। मोदी 3.0 के लिए शपथ ग्रहण हो चुका है और नए मंत्रियों का विभाग भी आवंटित किए जा चुके हैं। अब सत्तारूढ़ बीजेपी के सामने 2 प्रमुख कार्य हैं, लोकसभा चुनाव के लिए नए अध्यक्ष का चुनाव करना और पार्टी प्रमुख का नाम तय करना। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य मंत्री का कार्यभार संभाला था, को एक बार फिर मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। अब उनके पास स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के साथ साथ रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय का प्रभार है। राजद नेता तेजस्वी यादव मंगलवार को पिता लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन मनाने के लिए दिल्ली से लौट आए हैं। पटना में उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा कि इस बार माहौल कुछ और है, केंद्र की जांच एजेंसियों को निष्पक्ष रहना पड़ेगा, नहीं तो पार्लियामेंट में ईंट से ईंट बजेगी। अब देखिए, अब तीसरी बार शपथ लिया है, लेकिन इस बार का जो विपक्ष है बहुत ही मजबूत विपक्ष है, तो इस बार जो मोदी जी ने बार बार कहा है कि हम बिहार को कई चुनावों में कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन इस चुनाव में नहीं कहा था। और इस बार बिहार जो है निर्णायक भूमिका में है, मतलब अगर नीतीश जी सब लोग अगर मांग करें बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को दिलाने के लिए, तो ये मांग करनी चाहिए और निर्णायक भूमिका में है। आप लोग सब लोग जान रहे हैं आरक्षण की सीमा जो हम लोगों ने 75% जो की थी, उसको भी शेड्यूल 9 में जो है डालना चाहिए। साथ ही साथ पूरे देश भर में जाति आधारित गणना करानी चाहिए। और इस बार मोदी जी चाहे इधर उधर बोल करके हम निकल नहीं सकते, क्योंकि जो विपक्ष जो है इतना मजबूत है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा सीटों का अंतर नहीं है। और इस बार भाजपा जो है खुद जो है बहुमत पार नहीं कर पाई है और बैसाखी पर है, तो हमको लगता है कि तीसरी बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, इस बार सबसे कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में वो साबित हो। और इस बार माहौल कुछ अलग है। इस बार जितनी जांच एजेंसियां हैं, इस बार उनको निष्पक्ष रहना पड़ेगा,
नहीं तो पार्लियामेंट में एक सीट बचे। अरे हाँ देखिए 2019 में हमें आया था कितना सीट, शून्य। अब 20 में आया कितना, सबसे बड़ी पार्टी बन के आए, इस बार आया 4, तो 4 गुना सीट बढ़ेगा। नीट यूजी 2024 परीक्षा के रिजल्ट को लेकर विवाद जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान परिणामों के आधार पर होने वाली काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सर ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट में आज जो पिटीशन लगी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, एनटीए से रिप्लाई मांगा है, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या आपका जो पिटीशन लगा था उसके बारे में कुछ बता सकते हैं, क्या क्या बातें हुई? नहीं, हमारा जो पिटीशन लगा है उसकी मोस्ट प्रोबेबली कल लिस्टिंग होगी। हमने एग्जाम रिजल्ट के बाद पिटीशन लगाया था, आज जिस पे बात हुई है वो पिटीशन पहले से लगा हुआ था, वो एग्जाम रिजल्ट से पहले 1 जून से लगा हुआ था, तो उस पे आज हियरिंग हुई है। हमने एग्जाम रिजल्ट के बाद किया है, ये जो आज मुद्दा जो लिस्ट हुआ है जिसपे आज बात हुई है वो एग्जाम रिजल्ट का पहले का है, उसमें सिर्फ पेपर लीक की बात हुई थी, क्योंकि पेपर लीक तो सबको पहले से पता था हुआ है एग्जाम रिजल्ट के। एग्जाम रिजल्ट आया तो पता चला और भी प्रॉब्लम है कि ग्रेस नंबर दिया है, डिस्परेंसीज हैं, ट्रांसपेरेंसी की प्रॉब्लम है, वो मुद्दा जो है वो हम कल लिस्ट होगा हमारा। तो कल क्या उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से? आज तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दिया, काउंसलिंग कंटिन्यू? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल राहत इस चीज में कोई राहत नहीं। उन्होंने बोला नहीं, हम काउंसलिंग को होल्ड पे नहीं डालेंगे, पर एनटीए से जवाब मांगा है। उन्होंने जो ये बोला है सेंटिटी ऑफ द एग्जाम इज कॉम्प्रोमाइज, ये दिखा रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं एग्जाम की जो पूजनीय स्थिति थी उसमें कोई कॉम्प्रोमाइजेशन हुआ है, और एनटीए से एक ऑफिशियल जवाब मांगा है। पर यह मुद्दा सिर्फ पेपर लीक के बारे में था, हमारा जो मुद्दा है वो पूरा ग्रेस नंबर के अराउंड, ट्रांसपेरेंसी के अराउंड और पेपर लीक दोनों के अराउंड है, तो वो मुद्दा कल आएगा। तो आई थिंक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम लोग और चीजें प्रेजेंट करेंगे जो अभी शायद हाईलाइट नहीं हुई है। सो कैन यू टेल मी इन इंग्लिश व्हाट इज योर प्रेयर दैट इज गोइंग टू बी रिसीव्ड टुमारो एंड व्हाट हैपेंड टुडे? ओके, सो टुडे आई वाज इन कोर्ट नंबर 12, देयर वाज दिस हियरिंग ऑफ केस नंबर 25 रिलेटेड टू दिस एनटीए थिंग, एंड दिस केस वाज पर्टिकुलर। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।